नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। भोपाल, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान, संतोष कसाना आदि सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। पुण्यतिथि सुबह 10 बजे हमने अयूबगंज थाने के पास उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और गरीबों को वहीं पर राशन भी बांटा आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी अभी यहाँ पे उनको अपने सदस्य सुमन अर्पित किए। राजीव गांधी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री और नेता थे कि उन्होंने 18 साल के युवकों को मतदान का अधिकार दिया, पंचायती राज और जो नगर पालिका और नगर निगम के लगातार चुनाव होते हैं, ये सब उनकी देन है। जो कंप्यूटर युग अगर आया तो उनकी वजह से आया। और उन्होंने कहा था 21वीं सदी में देश मजबूत होगा, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तो ये 21वीं सदी में, उस समय ये लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 21वीं सदी है अब और भारत मजबूत होगा। ये राजीव गांधी पहले ही कह चुके थे, एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम। हम जो राजनीति में 85 में आए, उनके आशीर्वाद से, उनकी याद स्वाभाविक है और श्रद्धा के वो फूल उनके लिए हमेशा अर्पित है। समस्त कांग्रेस जन मध्य प्रदेश के उनको अपनी श्रद्धांजलि और अपनी भावभीनी श्रद्धा। सर आप क्या कहेंगे सर, सभी मंत्रियों को बंगला के रहने वाले सारे गणमान्य नेता मिल गए? सज्जन भाई ने बोल दिया। देखिए, खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।